इन्फॉर्मेशन दे हमारे व्यूअर्स के लिए। बेसिकली ये पहला थीम पार्क है पाकिस्तान का, और डायनो वैली का डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर का। जी फ्रेंड्स, तो डायनो वैली के लिए हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया इस्लामाबाद से। तो ये देखें, इस्लामाबाद से अभी हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया, और डायनो वैली का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तकरीबन 16 किलोमीटर का। तो देखते हैं इसके डायनो वैली के रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और कैसा खूबसूरत रास्ता हमें देखने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं आज डायनो वैली। थैंक यू। डायनो वैली का डिस्टेंस इस्लामाबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर का है, और ये डिस्टेंस हम 40 मिनट्स में कवर कर लेंगे। डायनो वैली इस्लामाबाद मार्गला हिल से होते हुए पीर सुहावा के मुकाम से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पीर सुहावा से केपीके का आगाज़ हो जाता है, और डायनो वैली के नाम से खूबसूरत रिजॉर्ट भी ज़िला हरिपुर में आता है। डायनो वैली का डिस्टेंस तो कम है, लेकिन बलखाती सड़क और ऊंचे पहाड़ों से गुजरते वक्त स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ की ड्राइव का भी अपना ही मज़ा है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मुनाल रेस्टोरेंट पर। मुनाल रेस्टोरेंट इस वक्त सील्ड हुआ हुआ है, क्योंकि कोई इनका नेशनल पार्क का कोई इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, कि वो गवर्नमेंट कहती है कि ये नेशनल पार्क की जगह है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्टोरेंट ओपन हो, क्योंकि जब भी हम इस्लामाबाद आते हैं तो मुनाल रेस्टोरेंट में ज़रूर लंच या डिनर करते हैं। तो अभी तो पूरा ही नहीं हो रहा हमारा इस्लामाबाद आना कि मुनाल रेस्टोरेंट बंद है। ये आप देखें, हम तो चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इशू रिजॉल्व करें और यहाँ की रौनकें बहाल हों। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी से मुलाकात करें और पूछें कि यहाँ इनका जो इशू चल रहा है वो कब तक रिजॉल्व होगा और क्या इशू चल रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, लिहाजा बता सकते हैं यहाँ ये क्यों इन्होंने शील्ड किया हुआ है मुनाल रेस्टोरेंट? हाई कोर्ट के हुक्म से सील हुआ है जी। अच्छा, सीडीए हाई कोर्ट में चली गई। जी जी, सीडीए और इसका अपना उसमें वाइल्ड लाइफ वालों का जो है ना कोई रोल है, चक्कर है उसका। अच्छा, और उसकी वजह से हमारा सील करके उनको बोले वाइल्ड लाइफ वालों के तुम लोग कब्जा कर लो यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ वालों ने आके कब्जा कर लिया है, हमें बाहर निकाल दिया है। हमारा सामान करोड़ों का अंदर पड़ा है इस होटल में। जी जी, तो अभी हम भी बाहर बैठे हुए हैं दो चार अपनी जगह के देख रहे हैं अपने सामान निकालने के लिए। जी जी, बस यही है। तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, 700-800 बंदा बेरोजगार हो गए। 700-800 बंदा बेरोजगार हो गए, 700 बंदा हमारे पास वर्कर था। ठीक है, तो देख लें आप, ये जंगल जंगल हो गया है पहले यहाँ पे, कितनी रौनकें थी, बड़ी रौनकें थी जी। हमारा तो पूरा ही नहीं होता जब तक इस्लामाबाद आए और मुनाल रेस्टोरेंट में खाना ना खाएं। बस अल्लाह ही रहम करे। तो हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट का जो इशू चल रहा है वाइल्ड लाइफ वालों के साथ, ये इनका रिजॉल्व हो और यहाँ की जो सील्ड है ये खुले और यहाँ की रौनकें बहाल हों। लोगों का रोजगार खुले जी, लोगों का रोजगार खुले। इनका और तो कोई जरिया माश है नहीं। जी जी, 4-5 गाँव है यहाँ पे। जी जी, इनका तो कोई जरिया माश नहीं है, और यही यहाँ पे नौकरी करते हैं और घर में खाते हैं जाकर। चले चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। तो डायनो वैली के लिए अभी हमारा सफ़र जारी है। मुनाल रेस्टोरेंट से तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र अभी और हमें तय करना पड़ेगा डायनो वैली के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते में और कौन कौन से मकामात आते हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। मुनाल रेस्टोरेंट से पीर सुहावा का डिस्टेंस तकरीबन 6 किलोमीटर का है, और पीर सुहावा से केपीके का आगाज़ हो जाता है,
और हरिपुर के खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है और डायनो वैली हरिपुर के खूबसूरत पहाड़ों के जुड़मट में बनाया गया है। गोरिल्लास, जैसे ही हम इनके पास आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ये देखते हैं, मुझे खाने लगे। हाँ भाई, मुझे नहीं खाना। आजा मरियम।
जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई है जीएम साहब से, मदर साहब से, मदर अलैया इनका नाम है, और डायनो प्रोजेक्ट का जो सारा सिस्टम है ये मैनेज कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दें हमारे व्यूअर्स के लिए। तो बेसिकली ये पहला थीम पार्क है पाकिस्तान का। अच्छा, डैनो वैली के हवाले से हमने इसका बेसिक नाम डैनो वैली है। जी जी। दूसरा, इसमें फॉसिल्स हैं, डायनासोर्स हैं, और डिफरेंट थीम पार्क के ऊपर जैसी चीज़ें होती हैं वो सारी हम इंशाल्लाह इस पे कर रहे हैं। ठीक कुछ है। हमने लॉन्च कर दी हुई हैं और कुछ अभी आगे होना है, क्योंकि थोड़ा सा मामला रुके हुए हैं, और ये प्रॉपर इंशाल्लाह प्रॉपर आपको कुछ दिनों में प्रॉपर थीम पार्क मिलेगा, जो पहला थीम पार्क होगा पाकिस्तान का। जी ठीक है। और इसके अलावा यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? सर, रेस्टोरेंट्स हैं इसमें, फॉसिल्स हैं, और डायनासोर पार्क है, प्लस दो तीन और किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, वो अभी प्रोसेस में है। पहला जो टेयर है वो हमने ओपन किया हुआ है गेमिंग जोन का, उसमें राइड्स एरिया हैं, कुछ डायनासोर रखे हुए हैं और कुछ फॉसिल्स रखी हुई हैं। मज़ीद आगे आपको बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और यहाँ आने का कोई टिकट वगैरह भी रखा हुआ है आपने, या किस सिर्फ डाइनिंग है? और सिर्फ गेमिंग जोन के टिकट्स हैं, और अपना जो डाइनिंग करते हैं उसके टिकट्स हैं, बाकी कोई ऐसा टिकट नहीं है। ठीक है जी। तो चलें कुछ विजिट भी कर लेते हैं आपका, दिखा भी देते हैं अपने व्यूअर्स को। जरूर जरूर जरूर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा डायनो वैली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल आइडियल एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान की किसी और टूरिस्ट प्लेस पर आपके साथ फिर किसी दिन मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।